ब्लैक फ्राइडे पे अब जैकेट्स वगैरह पे भी इन्होंने सेल वगैरह लगा रखी है। ये तो बचपन की याद आ गई इससे। तो भाई अंदर घुसते ही आप पीछे देख सकते हो कि सही डेकोरेशन हो रखी है, क्रिसमस वाला पूरा माहौल है। तनिष सर हमारे साथ आई हैं, एक्सपर्ट। कुछ छोटी छोटी चीजें भी थी जो मेरे को वॉलमार्ट से लेनी थी, प्लस मेरा मन था कि आप सबको दिखाएं। तो इंडिया के अंदर तो दिवाली की सेल्स लगती होती है, तो यहाँ पे इनका जो सीन होता है वो ब्लैक फ्राइडे का रहता है। ब्लैक फ्राइडे पे अच्छी अच्छी डील्स आती है। तो बेसिकली ब्लैक फ्राइडे जो है वो 25 नवंबर को है इस साल, बट इनकी जो सेल्स वगैरह ना वो 3 हफ्ते पहले इन्होंने स्टार्ट कर दी, पूरा वीक सेल चल रही होती है। तो सर चले फिर आज लेना क्या, मैं लिस्ट बना के आया हूँ सारी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, प्लस अगर एयरपोर्ट वगैरह पे डील्स इन्होंने दे दी हैं अभी, तो एयरपोर्ट्स वगैरह भी देख लेंगे। प्लस गाइस मैं ना टीवी भी लेना था मेरे को, मैं आपको भी चल के डील्स दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो टीवी, वैसे मैं कल जाके ले आया था, शिफ्ट से आया था, बहुत थका हुआ था, और बेस्ट बाय पे डील मिल रही थी बढ़िया TCL के टीवी पे। बट इधर मैंने सुना है एक दो टीवी पे और भी अच्छी डील्स वगैरह, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो सारे आइल्स के अंदर आप पीछे देख सकते हो कि सब जगह इन्होंने ब्लैक फ्राइडे का साइन लगा रखा है, और चीज़ों पे जो है डिस्काउंट वगैरह इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पहले इनका जो रेट था वो ये था, अब जो डिस्काउंट के अंदर ये प्राइस चल रहा है। तो सर नॉवल्स वगैरह देख रहे हो आप, ये वाली अच्छी लग रही है। नहीं पहले वाली एडिडास की सेल चल रही थी। साइकिल पे एक बार बैठना इस पे, साइकिल वाइकिल पे भी सेल है क्या, चला के दिखाना। ये देख लो हमारे इंडियंस वॉलमार्ट में साइकिल चला रहे भाई। स्केटबोर्ड कितने की है, $39 की ओनली, तो ये है $39 की, प्राइस इज गुड, $5, ओह माय गॉड, ठीक है। ये देखना यार, ये लेके जाना है टेबल, आपके आपके घर पे था ना पहले। इस टेबल का नाम बताना गाइस कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता था, फ्रेंड्स जो देखते हैं उन्हें पता होगा। $298 में ये बंदे दे रहे हैं 55 इंच का 4K टेलीविजन। तो मैं जो टीवी लेके आया हूँ वो TCL का है, और मेरे को TCL ही लेके आना था, और TCL के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, रोकू टीवी या फिर गूगल टीवी। मैंने गूगल टीवी लिया, तो मेरा जो था वो $350 का था 50 इंचेस, बट पीछे आप देख सकते हो 55 इंचेस का ये ऑन ऑन करके जो है रोकू टीवी सिर्फ $300 का दे रहे हैं। तो ये पहली गुड डील मेरे को अभी अंदर आने के बाद दिखी है, और वो रहा सामने टीवी वाला सारा सेक्शन। ये आ गए अपने TCL वाले टीवीज। तो TCL का बड़ा सही सिस्टम है, अब ये 65 इंच का आप देख सकते हो कि $700 का दे रहे हैं ये, पर ये गुड डील नहीं है। बेस्ट बाय पे ना सोनी का दे रहे थे आपको पता है 65 इंचेस का। तो भाई वॉलमार्ट के अंदर ना मैं तो हमेशा आते ही इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में सबसे पहले भागता होता हूँ, यहाँ पे मन बहुत लगता है, बस दिक्कत इतनी है कि जेब में पैसे होने चाहिए सामान लेने के। कौन से वाले स्पीकर मिल रहे हैं, चांदनी चौक वाले? ओके, मैं सोच रहा था एयरपोर्ट्स लेके जाने का, बट अब मेरा मन है हेडफोन से लेके जाता हूँ, कोई जो नॉइस कैंसिलेशन वाले हो, क्योंकि नाइट शिफ्ट करते हैं, दिन में कोई किचन में सामान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाने वाने चला के बैठा है, तो अपने आराम से आओ, नॉइस कैंसिलेशन वाले जो है हेडफोन्स लगाओ, मध्यम मध्यम गाने चलाओ और सो जाओ, राइट? नॉट राइट, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ मैं सबको बताता हूँ, मैं जब से कनाडा आया हूँ ना, एक एसी शीट होती है ना, बस उससे काम चला रहा हूँ अपना, पिछली पूरी विंटर्स निकाल दी थी, पर इस बार मैंने सोचा है कि विंटर जैकेट भी ले ली, और आज हो सका तो कोई किल्ट अच्छी लगी, कोई ब्लैंकेट वगैरह, तो वो भी लेके चलेंगे। अब ये जो चेयर है इतने से डब्बे के अंदर है पूरी ऑफिस चेयर। तो फिर चलो गाइज आज की पंचायत शुरू करते हैं, बढ़िया वॉलमार्ट के अंदर अपनी कुर्सी लगा के बैठे हैं ये, और बढ़िया टाइम पास हो रहा है। अरे तो सही है, कितने का ये ले चलते हैं फिर, तो बढ़िया है, काश पैसे होते। आई एम गेटिंग, यार मेरे को आज मजा नहीं आ रहा, हमें किसी की नीड नहीं है। अब आगे आपको दिखाते हैं, टॉयलैंड पहुंच चुके हैं अपने। यार बचपन में ना घर वाले ना कुछ टॉयज ऐसे थे जो दिलाते नहीं होते थे, रिमोट वाली महंगी महंगी कारें होती थी, चल छैया छैया वाली दिला लाते थे। तो आज आपको यहाँ के टॉयज भी दिखाते हैं, बड़ा सही सिस्टम है यार, बचपन याद आ जाता है यहाँ पे ना आके। लड़कियों पहले तो आप देख लो, बारबीज वगैरह क्या हुआ। मोनोपोली आप परसों लेके गए ना, कितने की लेके आए हो? 25। और ये कितने की है? 14। वो भी एक टाइम होता था जब ये बोर्ड गेम्स वगैरह कितनी खेलते होते थे ना अपने, बट आजकल तो ट्रेंड ही चला गया। सोशल मीडिया ने ना वो जो नेचुरल सी अच्छी सी लाइफ थी, मिल बैठ के सारे साथ में जो एंटरटेनमेंट चल करते होते थे, वो तो खत्म ही कर दिया आजकल। ये देखो ना सर, ये देखो लेगो, बड़े मजे आते हैं इनसे ये चीजें बनाने में ना, ऐसे जो होती है। ओ भाई माइक पता नहीं कब से ऐसे हो रखे। तो जब मैं छोटा बच्चा था मेरे को एक्शन फिगर कोई नहीं लेके देता था,
भाई सारे हैं डीसी के, मार्वल के। जॉकर कितना सुंदर लग रहा है देखो, स्पाइडी, आयरन मैन। क्या छोटे होते अपने याद है वो होता था लकड़ी के बने हुए आते थे, यहाँ ये फैंसी बच्चे कैट के चलाते हैं। अरे मारियो का भाई मिल गया हमें, ओ भाई मारियो का है बता, ये रहा। लो भी फैमिली पूरी कर दी हमने। अपने से कितने लेते हैं वो? $85 सर। वैसे सिंथेटिक अच्छे वाला है $30 का। तो भाई ये ट्रेंड तो है ही यहाँ पे, बाहर लोग खुद भी ऑयल चेंज कर लेते हैं कार का। तो भाई अब हम वाइपर ले रहे हैं यहाँ पे, वॉलमार्ट में ना वाइपर भी मिल जाता है, कोई सारी चीजें मिल जाती हैं। अब देख लो टूल्स वगैरह थोड़ी, और ये जो चीज है ना सबसे यूजफुल है, मेरे को ये और लेनी थी। तो ये एक के अंदर लग जाएगा पीछे से, और उसके बाद तीन चीजें कनेक्ट कर सकते हैं प्लस USB भी। क्या किया था, क्या किया था एक बार वापस से करना देखना। आम पापड़ ले लेते हैं यहाँ पे, ये इंडिया जैसे थोड़ा, ये आम पापड़ थोड़ा, ये तो स्लाइसेस हैं इनकी, वो करीब ड्राई के। वो देखो खाने पीने की चीजों पे भी लगा रखा है इन्होंने। तो ये इनका सारा क्लोथिंग वाला सेगमेंट है जिसके अंदर अभी हम नहीं जाएंगे। तो अभी आपको खाने पीने का सामान भी दिखाते हैं यहाँ पे, और उस पर कोई डिस्काउंट वगैरह है या नहीं है। तो ये बार कोड अगर आप स्कैन करोगे तो आपको प्राइस पता लग जाएगा चेक करने। आजकल देख रहे हो क्या नई नई चीजें आ रखी हैं, सारा कुछ ऑटोमेटेड करने को हो रखे हैं ये लोग। के टाइम में लोग पैसे वगैरह शगन देते थे, ठीक है, फिर गिफ्ट कार्ड से चलने शुरू हो गए। अब आप मानोगे नहीं, मेरे को मेरे काम पे गिफ्ट कार्ड मिले, और गिफ्ट कार्ड नहीं एक पेज दिया जिसपे बार कोड बना हुआ है। तो अब वो बार कोड की फोटो मैंने फोन में रखी हुई है, और वही गिफ्ट कार्ड है $150 का। और ये देखना अपनी एंटीक, ओह माय गॉड, ये मैंने नहीं सोचा था यहाँ मिलेगी। ये तो बचपन की याद आ गई इससे, प्रॉपर चाइल्डहुड मेमोरीज। आज थोड़ा सा इनको सोदा वो आटा उटा भी दिखा दें। तो भाई ये अपने आगे इंटरनेशनल फूड वाले आयल में आटे पे भी अभी कह रहे थे डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। तो ये आशीर्वाद आटा या शेर आटा जो हम लेके जाते हैं ना, तो वो पहले तो था $19-20 का सर बता रहे हैं, मेरे को तो याद भी नहीं है प्राइसेस। तो अब वो लगभग $16 का मिल रहा है। तो जो लगे हुए थे ना महंगा बहुत हो रहा है सोदा, उनको कहो अब 2-3 महीने का राशन भर लो ले जाके। और सबसे मेन चीज आप पीछे देख सकते हो, दालें वाले सारी पड़ी है। और एक चीज मैं ऑडियंस को और बताना चाहता हूँ कि ग्रोसरी का मैंने आज तक प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया कभी, तो नेक्स्ट 1-2 वीक्स के अंदर ना प्रॉपर एक ग्रोसरी का व्लॉग भी बनाएंगे। और उसके अंदर सिर्फ मैं वॉलमार्ट नहीं चाहता, उसके अलावा और भी स्टोर्स हैं जैसे फ्रेशको वगैरह हो गए, और उसके अलावा कुछ ना इंडियन स्टोर्स भी है ब्रैम्पटन वगैरह साइड। तो टाइम निकाल के ना सारी ओवरऑल प्लेसेस ना विजिट करेंगे, और एक प्रॉपर व्लॉग बना के आपको शानदार से दिखाएंगे। यार आलू भुजिया तो खा ही लें थोड़ी सी खोल के भी। बंदा पहले टेस्टी पकड़ के बैठा है। अब ट्रॉली नहीं लेके आनी क्या, हाथों में उठा लेंगे सामान, वो पिल्लो तो उठा लें अपने फिर। ये शायद वुमेन सेक्शन है, ये लड़कों की नहीं मिलती क्या? ये लड़कियों के तो इतनी वैरायटियां मिल जाती हैं, हम लड़कों ने ऐसा क्या गुना किया? ये देखो इनके कितने अच्छे अच्छे सूट हैं। हम भी क्रिसमस पे ना सेंटा क्लॉस बन के घूमेंगे इस बार देखना। तो भाई ये देखो ब्लैक फ्राइडे पे अब जैकेट्स वगैरह पे भी इन्होंने सेल वगैरह लगा रखी है, और $80 से स्टार्ट है। ये देखो $56 में बिना हुड वाले। तो भाई ये देखो इसके अंदर ना सारे पिलो कवर्स, शीट भी आ गई, साथ में कम्फर्टर भी आ गया, सारा पैक का ये पूरा 7-पीस पैक आप देख रहे हो ना। तो ये है $70 का, तो ये भी उठा लेते हैं पिल्लो पे ये वाला, और एक सिंगल भी लेना है मेरे को वो। तो भाई ये एक हमने सॉफ्ट टच पिल्लो ले लिया, और ये दो उठाओ ऐसे ही जाएंगे अब तो। और सारा सामान देखो हाथ में पकड़ के घूम रहे हैं। योडा वाला देखना है कब कितना गंदा है। सामान उठाना तो बड़ा इजी होता है, पर अब जब बिल देना पड़ेगा ना तब आफत आएगी। तो यहाँ पे जब भी चेकआउट करना होता है ना, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ऐसे आइल में जा सकते हो, वो आपके स्कैन करके बिल बना के आपको दे देंगे, या फिर सेल्फ चेकआउट में भी जा सकते हो। आपको आगे दिखाते हैं, ये जो लोग हैं ये सेल्फ चेकआउट वाली लेन में लगे हुए हैं, आप खुद अपना सामान जो है स्कैन करके और उसके बाद लेके जा सकते हो। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं, तो बाकी देखते हैं अब बिल कितने का बनता है। ये देखो भाई इनका सेल्फ चेकआउट वाला ये सीन होता है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे स्कैन करना होता है। ये तनिसर करके दिखाएंगे अभी स्कैन आपको, आप स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हो, और साथ में जो इधर भी आप ग्लास के ऊपर रख सकते हो अपने आप स्कैन हो जाता है। टोटल कितना हो गया? $183। डोनेट कर दो सर कुछ? एक सेकेंड कर दो, $1 डोनेट कर दो। आप क्या पूछ रहे थे? इंडिया वाला कार्ड चलाते हो? हाँ, तो पिछला जो टीवी भी लेके आया हूँ ना, वो मैंने अपने इंडियन कार्ड से लिया था। तो इंडिया का जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है ना, दोनों में लेके आया हूँ। तो पता है इधर पिन भी नहीं लगता, जैसे मैंने कार्ड जैसे इंसर्ट किया ना, उसने पिन विन नहीं मांगा। तो अपने इंटरनेशनल कार्ड जो होते हैं ना इंडिया वाले, तो उसमें आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हो पिन की नीड नहीं होती। ओ भाई ठंडी बहुत है बाहर, तो आपको क्या लग रहा था कि हम दिन में आए हैं? ये देखो रात का टाइम है, और बाकी भाई अपनों ने $180 का कुंठा कर ही दिया है। तो ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, इसलिए वीडियो को जल्दी से इधर ही रैप अप करते हैं, और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गाइस लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर दो। तो अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।